Now we are starting or continuing arithmetic progression from assessing question number 14 of AP. If the third term of AP is 4 times of the first term and the sixth term is 17, find the AP. यदि AP का third term हर टर्म तीसरा टर्म पहले टर्म का चार गुना है और छठा टर्म 17 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाले सीरीज ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। यानी हमारे हमें फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म टी टू ए प्लस डी थर्ड टर्म टी थ्री ए प्लस टू डी एंड सो ऑन इस प्रकार से इसको निकालेंगे। इसके लिए हमें ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना होगा। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन द क्वेश्चन देन फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट विल बी टी वन इक्वल टू ए टी टू इक्वल टू ए प्लस टू डी टी थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। Now, by the question, or given that T3 equal to 4A, a term of AP is 4 times of the first term. T3 equal to 4A. This one is my first equation. Or T3 equal to A plus N minus 1 into D. We know that formula. And 4A or A plus N equal to 3 minus 1 D equal to 4A or A plus 2D equal to 4A or 2D equal to 4A minus A equal to 3A. Therefore, D equal to 3A by 2. And second part of the question is, sixth term is 17. T6 equal to 17 or A plus N minus 1 into D equal to 17 or A plus 6 minus 1 into D equal to 17 or A plus 5 D equal to 17. Second equation, putting the value of D or A equal to A plus 5 into B, D find out kiya hai 3A by 2 into 3A by 2 equal to 17 or A plus 2A plus 15A equal to 17 or 17A is equal to 17 into 2. Therefore, A is equal to 17 into 2 by 17 is equal to 2. B
सकते हो a by 2 is equal to 17, LCM लिए 2a plus 15a by 2 is equal to 17, 17a is equal to cross multiplication कर दिए 17 into 2, therefore a is equal to 17 into 2 by 17, a is equal to 2. ये वैल्यू निकाले हम लोग, d is equal to 3a by 2 और a is equal to निकल गया 2. पूछा गया है फाइंड द एपी, यानी कि सीरीज निकालना है. सीरीज आप कम से कम चार या तीन में दिखा सकते हैं, एटलीस्ट तीन या चार आप दिखाइए, यानी कि T1, T2, T3, T4 तक फाइंड कर सकते हैं या T3 तक फाइंड आउट करके इसका आंसर दिया जा सकता है. यहाँ पर इधर मैं मिटा रहा हूँ, सीरीज और एपी, T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू ए प्लस डी, T3 इक्वल टू ए प्लस 2D एंड T4 इक्वल टू ए प्लस 3D. ए इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ से निकाले थे, ए प्लस डी ए इक्वल टू 2 प्लस डी. डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, डी का वैल्यू 3a by फाइंड आउट किए थे, 2 हो गया, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. दैट मीन्स T2 का T2 इक्वल टू 5. इस सेकेंड टर्म से हमारा निकल गया. थर्ड टर्म इसी तरह से निकाल लेंगे, ये थर्ड टर्म a प्लस 2d, a वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 एंड 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1, 3a by 2 2 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 by 2 इस काट दिए, 2 प्लस 3 टू जा 6 8. ये हमारा सीरीज फाइंड आउट हो गया फर्स्ट, ए इक्वल टू 2, सेकेंड ए प्लस डी 5 एंड थर्ड 8 एंड T4 डिफरेंशियल हमारा कितना का जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वल 3 का जा रहा है, तो हम 4 टर्म हो जाएगा 11, सो ऑन. ये हमारा आंसर था, AP इक्वल टू 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन.